दोस्तों नमस्कार, मैं हूं दीपक हिमांशु और आप देख रहे हैं टीचिंग वाला। बीएड वर्सेस बीटीसी का वर्षों से चल रहा जो मामला है उसका आज फाइनल फैसला आ गया है और जो ये फैसला है वो बीटीसी यानी कि डीएलएड के पक्ष में है। तो क्या है फैसला, आज यहां पर मैं आपको दिखा देता हूं। तो फैसला कुछ इस प्रकार से है कि जो सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने एनसीटी के गजट नोटिफिकेशन 28 जून 2018 को खारिज कर दिया है और बीएसटीसी या डीएलएड की जीत हुई है। भारत सरकार बीएड और एनसीटी की याचिका खारिज हो गई है। राजस्थान हाईकोर्ट ने जो फैसला दिया था उसको यहां पर जो है सही बताया है। तो ओवरऑल यहां पर अब ये फाइनल फैसला आ गया है। आप जो है पूरा ट्विटर इसी चीज से अभी ट्रेंड करने लगा फिर से जैसे ही फैसला आया। तो ये लगभग आपका 10:30 बजे के करीबन का टाइम था और वो उसके बाद वो फैसला आया और फाइनल जो है अब यहां पर ये हो गया है। अब आगे इस पर क्या होता है, क्योंकि एक बात तो क्लियर है कि अगर बीएड वर्सेस बीटीसी में बीएड के फेवर में अगर आपको यहां पर देखिएगा फैसला आता तो बीएड वाले सब जगह एलिजिबल होते, लेकिन जो भी प्राइमरी लेवल पर है, और क्योंकि बीटीसी के फेवर में फैसला आया है तो यहां पर अब उनको एलिजिबिलिटी नहीं मिलेगी। अब यहां पर आगे क्या क्या इसमें चेंजेज होंगे, क्या क्या चीजें प्रभावित होंगी और क्या चीजें ऑनगोइंग है, उन सब पर भी काफी चर्चा होनी है। आगे के अपडेट के लिए आप लोग बने रहिए। फिलहाल के लिए तो जो ये है वो डीएलएड के फेवर में आया है, जो डीएलएड का केस था तो डीएलएड की जीत हुई है और बीएड की यहां पर जीत नहीं हो पाई है। थैंक यू वेरी मच। आगे के अपडेट के लिए बने रहिए। बाय, जय।